नकु से इतनी नफरत करती है ये कि उसकी शक्ल देखना भी इसे पसंद नहीं है। एक भी मौका नहीं छोड़ा इसने नकु को नीचा दिखाने के लिए, एक भी। हाँ भाऊ, किशोर बहुत सही कह रहे हैं। मैंने भी सुना था रक्षाबंधन के दिन कलाताई नक्कू से बात कर रही थी। कलाताई ने नक्कू को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कलाताई ऐसे ऐसे ताने मार रही थी कि एक पल के लिए मैं तो सोचने लग गया कि कलाताई नक्कू से ऐसे क्यों बात कर रही है। फिर जाके मैंने नक्कू को समझाया कि कलाताई की बातों का बुरा मत मान। बाजी, आओ, आपको याद है उस दिन आप मुझसे पूछ रहे थे कि तू नक्कू के कमरे से क्यों आ रहा है। बस भाऊ, यही बात थी। नक्कू तो बेचारी रोने लग गई। वो अभी ऐसे लगता है कि नक्कू ने कलाताई की बात बहुत दिल पे ले ली। और तभी तो वो घर से कल तक जिस परिवार से उसे लानत मिल रही थी, आज वो परिवार उसे अपने साथ खाना खाने के लिए कह रहा है। नौकर के दर्जे से मालकिन के दर्जे तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा ना। हम सब जानते हैं कि तू नकुशा के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, पर ऐसे भी मत कर कि इसे बार बार एहसास हो कि ये करीब है। तो ये वजह थी नकू के बदल जाने की। जंगल से घर तक एक बार फिर उसके साथ गलत हुआ इस घर में। वो पिताई के हाथों तुझे लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? तुझे दिख दूंगी मैं। मुझे लगा कि तू प्यार में अंधा हो गया है और उस लड़की की असलियत मुझे दिखाई देती है। मैं तो इतना चाहती थी कि वो लड़की तेरा फायदा ना उठाए। तो तुमने उठाया था उस बेचारी की मासूमियत का, मेरे भरोसे का। नकुशा से मैं प्यार करता हूं, उसे तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं। बचपन से लेके आज तक नाटक कर रही थी ताई। मेरी खुशी में तेरी खुशी है। एक खुशी आई थी मेरी जिंदगी में, तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तू ताई कहलाने के लायक नहीं है कला। जो इंसान मेरे प्यार को नहीं समझ सकता, जो उसकी इज्जत नहीं कर सकता, जो मुझे और मेरे प्यार को दूर करने की कोशिश करे, उसकी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। क्या कहा तूने? मेरी जगह नहीं है, तेरी कलाताई की कोई जगह नहीं है। अच्छा हुआ, इस बात से मुझे मेरी औकात तो पता चल गई। अगर यही सब है तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा? चली जाती हूँ मैं घर छोड़कर।
बिल्कुल सही फैसला है तुम्हारा। वैसे भी घर जमाई बन के रहते रहते मेरा जमीर मुझे कचोटता रहा है। आज से हम लोग एक नए जीवन की शुरुआत करें, तुम्हें भी एक मौका मिलेगा पत्नी धर्म निभाने का। हाँ यही ठीक रहेगा। अगर इस घर में खुशियां इसी कीमत पर वापस आएगी तो हम किशोर के फैसले से सहमत हैं। जाओ बाजी जाओ, किसी भी तरह नकु को ढूंढ कर वापस ले आओ। वैसे हम नहीं चाहते ये नया तूफान हमारे परिवार को बिखेर कर रख दे। ये सारी सच्चाई जानने के बाद तो मैं तुझे अपने से दूर नहीं रखूंगा नकु, कभी नहीं। बाजी कहाँ थी रे तू नक्कू, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तेरे को। चल सब परेशान है घर पे। तेरे को मालूम है दत्ता कितना परेशान है तेरे लिए। चल घर चल। नहीं देख नकु, मेरे को नहीं मालूम कि तेरे दिल में और दिमाग में क्या है। तू मेरे को बता ना, मैं तेरा हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। हो ए नकु, बोल ना रे। अरे बोल ना, अरे कुछ तो बोल। नकु देख नको, दिमाग को और शॉट मत दे। दिमाग पहले से ही बहुत आउट है, सच। नको देख मेरी तरफ, बोलना क्या लोचे। हाँ अरे मैं तेरे को दिल से, एकदम दिल से वही नहीं बोला।
अरे बोलना, क्यों दूर भाग रही है भाऊ से? हाँ, कलाताई ने तेरे को कुछ बोला उसकी वजह से क्या? फिर काय को रे? हाँ, काय को तू ऐसा कर रही है? काय को तू भाऊ को सजा दे रही है? काय को तू भाऊ की उम्मीद जोड़ के तोड़ रही है? बोल, अरे बोलना रे। तू क्या बोलेगी, भाव तो नफरत करता था प्यार के नाम से। उसको भरोसा था तो सिर्फ तेरे पे नक्कु, तेरे पे। उसने तो अपना दिल खोल के तेरे सामने रख दिया, पर तू चुप रही। वो आदमी जिसने भगवान से भी रिश्ता तोड़ दिया था, आज अपने ही हाथों से मंदिर में जाके नारियल चढ़ाता है। अपनी बहनों से जिस दत्ता भाव ने आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, आज तेरे लिए, नक्कू सिर्फ तेरे लिए, वो उनसे झगड़ा करने के लिए तैयार है। तेरे ऊपर लगे हर जुर्म को उसने खुद माफी मांगी तेरे से, वो भी सबके सामने। नक्कू, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए तेरे को? शादी के लिए प्यार से पूछा और तू नक्कू? झूठी नक्कू, तू झूठी है। मेरे को तो लगता है कि तू भाव से प्यार ही नहीं करती, नहीं तो यहां पर नहीं आती भागकर। सौ दुश्मनों पर भारी पड़ने वाला दत्ता भाव आज तेरे को खोने से डरता है। मौत से लड़ने वाला दत्ता भाव आज जिंदगी से डर रहा है। तेरी वजह से। सिर्फ तेरी वजह से नक्कू। क्या बिगाड़ा है भाव ने तेरा? ऐसी भी क्या दुश्मनी है बता मेरे को। देख नक्कू, मैं पल पल भाव को मरते हुए नहीं देख सकता। बोल बोल, मेरे को जानने के बता। अरे बोल बोल नक्कू, बोल। इससे पहले कि तू भाव को खत्म कर दे, मैं तेरे को ही खत्म कर देगा। बोल नक्कू, नहीं तो मैं तेरे को मार डालेगा। बोल, अरे बोल, अरे बोलती क्यों नहीं? बोल बोल, क्या बात है? बोल, अरे बोल ना। अरे तेरी तो मैं सही है तेरी झूठी हमदर्दी। हाँ झूठी है मैं, धोखेबाज है मैं। मार डाल मुझे बाजी, वही चाचा। कम से कम सांप को दर्द तो नहीं देगी ना? अरे मैं अपने से ज्यादा सांप को चाहती है। मार डाल बाजी, मुझे मार डाल। मेरे को और कोई रास्ता भी नहीं दिखता बाजी। तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास बाजी। सब मेरे लिए क्या है मैं ही जानती। तू मुझे कुछ भी समझे, मैं रहेगी तो वही ना। मेरे बारे में तू कुछ नहीं जानता बाजी, कुछ नहीं जानता मेरे बारे में। अगर मेरे को नहीं मालूम ना तो मेरे को जानने के बता, मेरे को बोल। बात करती है
कौन है तू? मेरे को धोखा हो रहा है या तू सच में जानना चाहता है मैं कौन हूँ बाजी, और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? जानना चाहता है ना? मेरी मजबूरी बाजी, ये है असली नकुशा। मेरा गोरा रंग ही मेरी मजबूरी है बाजी। तू जानता है ना सांप को खूबसूरत चेहरे से कितनी नफरत है, तो मैं कैसे दिखा देती अपना चेहरा? तेरे को लगता मैं कौन को दुख देने में खुशी मिलती? नहीं बाजी, जब पहली बार उन्होंने मुझे गले लगाया तो मानो वक्त वहीं थम गया। जब पहली बार उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझसे प्यार करते तो मेरी जिंदगी वहीं थम गई। जब होश आया तो पता चला कि मैं वो नकुशा नहीं जिससे वो प्यार करते। ये रंग बदलने का क्या राज है तेरा? असली नकु को क्यों छुपाती है तू? मेरी आई बोलती खूबसूरती और गरीबी कभी साथ नहीं चल सकते। सही बोलती है वो। मेरी बहन को वो राजू लेके गया, वो दवाई जाके बेच दिया उसको। उस दिन के बाद मेरी आई मेरे पे कालक पोतती ताकि कोई मेरा फायदा ना उठा सके। मेरे को नहीं पता मैं क्या करूं बाजी, मैं सांप से दूर चली जाएगी, क्योंकि मैं जानती हूं मैं सांप को खो चुकी है। मैं सच बताएगी तो भी उन्हें खो देगी, और नहीं बताएगी तो भी बाजी। मेरे को नहीं मालूम था नक्कू, तेरे को क्या करना चाहिए? देखिए नक्कू, जो अपने होते हैं ना उसे कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सच बताओ उसको, उसको फैसला करने दो। पर मैं जानती है बाजी, मैंने फैसला कर लिया। मैं सांप को सब सच सच बताएगी, कुछ नहीं छुपाएगी उनसे, बता देगी मेरा असली चेहरा क्या है।